अपना होमवर्क दिया था करने के लिए, मैंने एक होमवर्क दिया था ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3। कितने लोगों ने ट्राई की पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया। कितने लोगों से 50% शीट सॉल्व हो गई, 50% से ऊपर? कम है। कितने लोगों से, कितने क्वेश्चन थे उसमें? 15-16, 15-16 के आसपास होंगे। कितने लोगों से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए? 5। ना ना, मैंने 5 बोला, 5। कितने लोगों से 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए? और कितने लोगों को लगा कि शीट मुश्किल है? थर्ड ऑब्जेक्टिव, ऐसा लगा कि शीट मुश्किल है। हाँ, थर्ड वाली। अच्छा ठीक है। देखो पहले ना एक पॉइंट को समझो, प्लीज लॉजिक समझो एक मिनट के लिए। जब मैं एक शीट देता हूं तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप सारी की सारी शीट सॉल्व करोगे इस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बीच में मुश्किल भी हैं और कई बार तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कभी कभी कि आपसे नहीं होगी। शीट देने का लॉजिक समझो। फिजिक्स की प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहले उसकी 5-6 लाइनें पढ़ के हम इमेजिन करते हैं कि क्वेश्चन है क्या, फिर हम उसका सॉल्यूशन सोचते हैं कि ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और फिर हम उसे ट्राई करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है। क्लास के अंदर अगर मैं करता हूं कोई क्वेश्चन तो मेरी प्रैक्टिस है, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप घर से जब एक काम करके लाते हो, चाहे आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एटलीस्ट आपको ये मालूम होता है कि क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग शुरू शुरू में बोलते हैं कि फिजिक्स मुश्किल लग रही है, शीट्स नहीं होती। ऐसा रहेगा कुछ दिन, लेकिन टाइम के साथ, अगर 10 क्वेश्चन दिए, शुरू शुरू में 4-5 होंगे, टाइम के साथ ये 6 तक जाएंगे, टाइम के साथ 7 तक होंगे, और फिर टाइम के साथ ये 8 तक भी जाएंगे। दो प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, 100% तो मुश्किल रहता है। तो ये टाइम लेगा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि बीच में क्वेश्चन नहीं होते, तो आप नॉर्मल हो प्लीज, आप एबनॉर्मल नहीं हो। एबनॉर्मल मतलब अगर बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ले आते, मैं जरूर आपकी कॉपी चेक करता कि अच्छा यार ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट देखिए सीरीज कॉपी में क्या करके लाया है। तो ऐसा चलता रहेगा, पेशेंस रखनी है आपको थोड़ी सी। बस आप इस चीज पे फोकस करो कि जो आपको करवाया क्या आपसे वो हो रहा है। अगर आपसे वो हो रहा है तो विद इन 1 month आप देखना अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। धीरे 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 करके नॉलेज ऐड होती जाएगी, चीजें और लेवल में बढ़ती जाएंगी, आपको पुरानी चीजें इजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यही इसी तरीके से सबकी फिजिक्स बनी है। फर्स्ट डे किसी की फिजिक्स नहीं तैयार हुई, टाइम लेगा। ठीक, तो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्शंस को लेके अभी भी कंफ्यूजन है, वहां से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। रूल ध्यान से समझना। अगर मैं कभी भी किसी भी बॉल को ऊपर फेंकता हूं, अपवर्ड्स, तो जहां पर फेंकता हूं, अगर मैंने ऊपर फेंका तो ये मन में मान लेना है कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो जब भी बॉल को ऊपर फेंकना है तो अगेंस्ट ग्रेविटी बॉल ने जाना है। अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है तो जी हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर बॉल नीचे आती है तो जी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की पॉजिटिव है, तो हम ये मान लेते हैं कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जी हमारा पॉजिटिव है, तो जी का फैसला हो गया। अगर बॉल ऊपर गई तो जी नेगेटिव, बॉल नीचे आई तो जी पॉजिटिव। पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल, अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो आप मान लें कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, और अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हो रही है? नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो एच की जगह हम माइनस एच पुट करेंगे। लेकिन अगर आपने बॉल को नीचे फेंका तो हम ये मान लेते हैं कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे जा रही है, तो फिर अब एच क्या होगा? पॉजिटिव। तो बस दो ही तो साइन देखने होते हैं, या जी का या एच का। तो मैंने बता दिया यू तो हमेशा लेते ही पॉजिटिव है, यू को तो हम चेंज ही नहीं करते, U is always positive, तो अगर बॉल ऊपर गई तो G negative, बॉल नीचे आई G positive, और अगर मान लो बॉल ऊपर जा रही है ऊपर की direction positive, तो H negative, और अगर नीचे फेंक रहे हो तो H positive। तो बस और कोई rule नहीं है, बस यही rule है। आज के test में under gravity का कोई question नहीं है, तो आज के test में सिर्फ horizontal में ही question है सिर्फ। बोलो। Okay, okay. बिल्कुल बिल्कुल ना ना, ये जो 3 केस थे जो हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, एक टावर के
हाइट पे चढ़ के मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे फेंक रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी ये डिसाइड यू करेगा। अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो मैं अपना रूल चेंज नहीं कर रहा, रूल मैं अभी भी वही लगा रहा हूँ। जैसे आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, मैं चेक करता हूँ, लास्ट असाइनमेंट में था ये, ये था राइट ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो मन में क्या मान लेना है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो जी बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो चेक करो मैंने अपना रूल चेंज नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, जी नेगेटिव, और क्योंकि ऊपर फेंका ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हुई नीचे, तो एच इज नेगेटिव। पर जब मैंने अगला केस सॉल्व किया, नेक्स्ट केस सॉल्व किया, तो भाई जो ऊपर वाला केस है भूल जाओ, अब नया नया क्वेश्चन बन गया, अब नए क्वेश्चन में यू कहां है, नीचे, तो अब मैं ये मानूंगा कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है राइट। ये रूल नहीं है कि ऊपर की डायरेक्शन ही नेगेटिव पॉजिटिव होगी हमेशा। बिल्कुल ठीक नहीं, नहीं। आप ऊपर वाला केस समझ में आ गया आपको, उसको क्लोज कर दो, उसका नीचे वाले से लेना देना ही नहीं है। अब ये वाला केस में इनिशियली बॉल को कैसे फेंका, नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो हाइट भी नीचे कवर हो रही है वो भी पॉजिटिव है, जी भी अगेंस्ट हम इन फेवर ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं तो जी भी पॉजिटिव है, तीनों की तीनों चीजें पॉजिटिव है। तो आप ये ना देखो मैंने पहले क्या किया था, आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है या ऊपर की माननी है। पिछले केस में क्योंकि बॉल ऊपर गई थी तो हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, इस केस में नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, वो केस से इंडिपेंडेंट है ये केस, ठीक है यहां तक। तो अंडर ग्रेविटी का पॉइंट क्लियर है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 है जो आज हमने डिस्कस करनी है राइट, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, मेरा यही काम है चीजों को आसान करना। तो आज मैं जो लेक्चर लिख के लाया हूँ वो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 के कॉन्टेक्स्ट में ही लिख के लाया हूँ, तो पहले ये डिस्कस करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, और जिनको शीट मुश्किल लग रही है फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि अब आपको शीट कैसी लग रही है। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 करने से पहले जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज हैंड रिटन शीट नंबर 11 का प्रिंट आउट ले लें रिसेप्शन से, हैंड रिटन शीट नंबर 11। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, अ स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल ऑफ डेप्थ 19.6। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसने कहा एक पत्थर को आपने एक वेल के ऊपर ये पकड़ के रख लिया, आपने पत्थर को ड्रॉप किया तो u इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है प्लीज, पत्थर नीचे गया, पानी से टकराया, आवाज आई, आवाज ऊपर आई, दो स्टेजेस हैं ध्यान से, ये नहीं है पत्थर गया और आवाज आई, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, पत्थर नीचे गया, पानी से टकराया, साउंड जनरेट हुई, साउंड ऊपर आ गई। इस पूरे प्रोसेस में पत्थर को रिलीज करना और साउंड का वापस आना, पूरा प्रोसेस कितना टाइम लेता है, 2.05 सेकेंड। मतलब पत्थर का नीचे जाना एंड साउंड का ऊपर आना, टोटल टाइम इज 2.05 सेकेंड। समझ में आ गया। तो साउंड की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, पहले ये बताओ कि जो पत्थर नीचे गया उसने कितना टाइम लिया नीचे जाने में, तो u इज इक्वल टू 0, कितना डिस्टेंस कवर किया 19.6, स्टोन का नीचे जाने की इक्वेशन अप्लाई करो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पत्थर जब नीचे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करता है 19.6, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन 9.8, टाइम के लिए जब सॉल्व करेंगे टाइम आएगा 2 सेकेंड, तो पत्थर का नीचे जाने का टाइम कितना है 2 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ पत्थर नीचे गया आवाज ऊपर आई, टोटल टाइम 2.05 है, तो पत्थर नीचे जाने का टाइम 2 सेकेंड है, तो आवाज का ऊपर आने का टाइम कितना है 0.05 सेकेंड। समझ में आता है यहां तक। तो साउंड ऊपर आती है इन टाइम 0.05 सेकेंड, कोई डाउट इसमें। साउंड की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है,
कांस्टेंट होती है, साउंड एक्सेलेरेट थोड़ी ना करती है। मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, फिर तेज, फिर तेज, फिर बहुत तेज हो रही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती, साउंड की स्पीड इज कॉन्स्टेंट। और अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो क्या इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रेवल किया, जितना वेल 19.6 है। वेलोसिटी मुझे निकालनी है, करेक्शन कर लो 0.05 सेकेंड है ये, 0.05 सेकेंड। तो साउंड की स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड थी 92। बोलो कितने लोगों ने मिली, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ। ओके, तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया था और हो गया था, देखो सारे नॉर्मल है। ठीक, तो कईयों को ऐसा वहम हो जाता है कि दूसरे लोगों का तो पता नहीं कितना ही सॉल्व हो गया और हमारा तो हुआ नहीं, तो इट्स ओके, सब नॉर्मल है। जब पहली बार मैंने भी किया होगा तो शायद मेरे से भी नहीं सॉल्व हुआ होगा, ठीक, जब मैं स्टूडेंट था। ठीक, तो ऑब्वियसली सभी के साथ ऐसा था, हमें भी ऐसा लगता था कि वो यार ये कैसे पता लगता है कि वेलोसिटी ऊपर नीचे है, ये कैसे एस इज इक्वल टू, सर को कैसे लगाता है एस इज यूटी हाफ इट लगा दो। यार मेरे को तो दो बार सोचना पड़ता है कि ये लगा के देखूं या दूसरी क्वेश्चन लगा के देखूं। फिर जब अगला चैप्टर आता है, फिर पिछला जब टेस्ट हो जाते हैं दो तीन ना, फिर लगता है कि नहीं ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं था, ठीक था। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसको आगे चलाते हैं और इस इक्वेशन को देखते हैं। ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम देखो आप समझ सकते हो इसका सोल्यूशन देख के भी, ये एक मिनट कईयों की हो भी गई होगी, ऐसी बात नहीं है। कितने लोगों की प्रॉब्लम हुई वैसे सॉल्व, हाँ ये कैलकुलस बेस्ड थी, कोई बात नहीं। देखो आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, एक्सेलरेशन गिवन है, क्लियर है यहां तक। इस एक्सेलरेशन में एस कॉन्स्टेंट है, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है, कोई डाउट इसमें, टाइम के साथ चेंज हो रही है चीजें। मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कम से कम आपको कैलकुलस से ये तो याद आता होगा कि ए गिवन है, ए को इंटीग्रेट करके वी आएगा, वी को इंटीग्रेट करके एक्स आएगा, तो ये समझ में आता है कि ये कैलकुलस से सॉल्व होगा। ठीक, पहला स्टेप क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कोई डाउट इसमें। तो एक्सेलरेशन को लिखें डीवी बाय डीटी, डीटी राइट साइड पे चला गया, ये स्टेप क्लियर है। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को तो ये 1 डीवी बन जाएगा, माइनस एस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन हम करेंगे इसमें तो 1 डीवी वी आएगा, ये कांस्टेंट है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी, क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें। डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा इज अ कांस्टेंट और डीटी बाय डीटी क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया ओमेगा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो क्या आया v इज इक्वल टू एस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कोई डाउट इसमें। अभी डिस्प्लेसमेंट आई है और सॉरी अभी वेलोसिटी आई है, हमने क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या किया इसको dx by dt कर लिया, वेलोसिटी से x कैसे निकलता है बाय इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी को dx by dt, dt राइट पे चला गया। फिर एक बार इंटीग्रेट करें, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या देगी x, s ओमेगा कांस्टेंट है, cos की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं cos x is sin x, तो sin of omega t divided by d by dt of omega t, रूल क्लियर है इंटीग्रेशन का, ओमेगा कांस्टेंट है, dt by dt 1 है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आंसर। समझ में आया यहां तक, अब ठीक लग रहा है ये, ठीक, फर्स्ट टाइम
के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं ना कि हाथ फटाफट चले, बट इट्स ओके. आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है, घर जाके लिखना है इसे प्रॉपर पूरा नोट्स के अंदर. जब सेकेंड टाइम लिखेंगे ये पक्का होगा, थर्ड टाइम जब टेस्ट होगा फिर प्रैक्टिस करके आएंगे और पक्का होगा, चौथी बार फिर टेस्ट होगा ये और पक्का होगा, पांचवी बार तो परफेक्शन होगी जब पेपर होगा स्कूल का, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ इसे. ठीक, तो इस तरीके से ही ये सब्जेक्ट बनेगा, धीरे 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 बनता जाएगा और एक दिन आपको रियलाइज नहीं होगा ये नॉर्मल चलना स्टार्ट हो जाएगा. आ रही है, दो मिनट में आ रही है. क्या ये स्टेप क्लियर है सबको यहां तक? ओके. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर. रिलीज्ड का मतलब ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू जीरो और टावर की हाइट कितनी है, ये बॉल कितनी देर में नीचे आती है इन टाइम टी. क्लियर है? क्वेश्चन है इट टेक्स टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन टी बाय 3 सेकेंड. मुझे बताना है कि उसकी 3 सेकेंड में क्या रही होगी. तो मुझे सिर्फ ये बताओ अगर मैं बॉल को बिल्कुल नीचे गिरने दूं तो पूरी डाउनवर्ड जर्नी में अगर मैं अप्लाई करूं s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह क्या पुट करूंगा, h, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 हाफ इनटू g इनटू कैपिटल t का स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है क्योंकि h हाइट कितनी देर में कवर हो रही है, कैपिटल t टाइम में. कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला क्लियर है. लेकिन मेरे को तो ये निकालना ही नहीं, मेरे को तो क्या निकालना है t by 3 में. तो एक काम करते हैं फिर से शुरू करते हैं, टाइम को t by 3 पुट करते हुए h डैश निकाल लें, फिर अप्लाई करते हैं s is ut plus half at square, s की जगह क्या पुट करेंगे, h डैश, लेकिन टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, t by 3, क्योंकि t by 3 टाइम में डिस्टेंस कितना है, h डैश. तो यहां से t square और 9 आ गया, t square और 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और t square, लेकिन half gt square किसके इक्वल है, h, तो इसको h पुट करें क्या आएगा, h by 9. तो ये हाइट कितनी है, h by 9, पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गिवन है ना वो ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, ग्राउंड से पोजीशन पूछ रहा है. टोटल हाइट अगर h है, ये कितना है, h by 9, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, h माइनस h by 9, तो कितना आ गया, 8 h by 9. शीट नहीं है, शीट ले आओ बाहर से. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? अब ठीक है, ठीक है. तो देखो आप, आपका ब्रेन चल रहा है, ये देखने से आप इनपुट जा रही है, आपको दो चीजें और पता लग रही हैं. आज की डेट में अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन दूं, हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो हो चुकी ना, प्रैक्टिस भी है. इसी तरीके से जब मैं एक हफ्ते बाद ये पूछूंगा ना, ये भी हो जाएगा. ठीक, वैसे इस पूरे प्रोसेस में एक महीना लगेगा ठीक होने में, क्योंकि अभी मोशन 1D चल रहा है, फिर प्रोजेक्टाइल 2D 3D चलेगा, उसमें भी यही कुछ है. तो मतलब कम से कम 100 200 300 क्वेश्चन करने के बाद आप एक क्वेश्चन तो ठीक कर ही आओगे कंपटीशन में, एक ही तो आना है टोटल 300 के पीछे, तो आप एक तो कर ही आओगे. फिर बस ऐसी सिलेक्शन होनी है. पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो भी करवाया हुआ, इतनी क्वेश्चन में से एक तो आएगा ही कम से कम. ठीक, ओके. इस क्वेश्चन को एक बार देखें. गिवन रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टाइम टी. तो मुझे दिख रहा है कि टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स में ये रिलेशन है. ठीक है, टाइम और एक्स रिलेटेड है, बीच में अल्फा बीटा यूज हो रहे हैं और गिवन है अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स. मुझे क्या निकालनी है, रिटार्डेशन. अब मेरे माइंड में ये आ रहा है रिटार्डेशन मतलब ए निकालना है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन पर माइनस कहां से लाऊंगा, ए निकालना है, ए निकालना है, समझ में आता है. और इस गिवन में क्या चल रहा है, एक्स. अब x से a जाने का तरीका डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्योंकि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा. कम से कम ये समझ में आता है कि दो बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. पहला स्टेप क्लियर है? फिर अगर मैं स्टूडेंट होता तो हो सकता है एक बार मैं ना करता क्वेश्चन ये सोचते हुए, क्योंकि यार x पता नहीं क्या, x स्क्वायर, x कॉमन निकाल लूं. x गिवन होता तो मैं दो बार कर भी देता, ये पता नहीं x भी चल रहा है, अल्फा चल रहा है, बीटा चल रहा है, t चल रहा है, क्लास में जाके पूछ लेंगे कैसे करना है. ठीक, नहीं हो सकता मैं ट्राई भी कर लेता, डिपेंडिंग है मेरे पहले 4 क्वेश्चन ठीक हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो शायद ना करता, हो जाते तो शायद कॉन्फिडेंस आता मैं कर भी देता. सभी के साथ ऐसा होता होगा शायद. अब एक स्टूडेंट बोला दूसरे बैच में, बोला मैं क्वेश्चन करने लगा, एक क्वेश्चन में ना मैं इमोशनल हो गया और मैं ना 25 मिनट खराब कर दिया मैंने,
मेरा मन ही नहीं किया आगे करने का, मैंने छोड़ ही दिया उसे। मैंने कहा तो 25 मिनट को खराब कर रहा है, 5 मिनट का दूसरा क्वेश्चन कर लेता, तीसरा कर लेता, चौथा कर लेता, कुछ तो करके ही आता। अब वो अगली बार कहता है कि ठीक है मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, मैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊंगा। आपने भी ऐसे करना है। बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, बहुत टाइम है, लेकिन प्लीज इतना भी मत लगाओ कि एक घंटे के पीछे आप एक क्वेश्चन करो और फिर मन, अब मेरा भी मन नहीं करेगा उसके बाद तो। ठीक, नॉर्मल करो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में डिस्कशन तो होगी ही होगी। ठीक, क्या ये पॉइंट समझ में आया यहां तक? अब जब कुछ भी समझ में ना आए ना, और मन कहता हो कि हो गई डिफ्रेंसिएशन, समझ में ना आ रहा, इक्वेशन लिखो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। मैंने डिफ्रेंसिएशन के अंदर भी आपको ये सिखाया था, कुछ एक्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ लगाओ डी बाई डी टी, डी बाई जो आना होगा अपने आप निकल आएगा, करें देखें। तो डी बाई डी टी क्लियर है इक्वेशन के आगे पीछे, ठीक हो गया। डी टी बाई डी टी क्या है? 1। अल्फा क्या है? कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। बीटा क्या है? कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये स्टेप क्लियर है। इसमें एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन इज 2x dx by dt, और ये क्या है? dx by dt। ये स्टेप भी क्लियर है। नेक्स्ट, dx by dt क्या होता है? v। dx by dt क्या होता है? v। तो ये स्टेप क्लियर है सबको। इसमें से v कॉमन आ गया तो क्या आया? 2x alpha plus beta ना चाहिए था? ओ beta करो, beta। तो यहां पर beta आएगा, हर जगह बीटा ही करना पड़ेगा फिर तो। चलो कोई बात नहीं, करते जाओ, करेक्ट। तो यहां पर क्या आएगा? बीटा, कर लो यहां बीटा। तो यहां पर भी क्या आएगा करेक्शन में? बीटा। वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ बीटा, कोई डाउट इसमें? राइट, यहां तक क्लियर। पर हमें क्या निकालना है? ए। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी में या करेक्शन करो बीटा, वन की जगह बीटा, वेलोसिटी आ गई। ए क्या होता है बताओ? डीवी बाय डीटी। एक काम करें, जो भी वी आया उसको उठा के यहां पर पुट कर दें, ये टर्म आ गई, बीटा करो यहां पे। ठीक, तो करें इसे डिफरेंशिएट। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? यू बाय वी के फॉर्मूले से। ये यू है, ये वी है, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यू बाय वी का फॉर्मूला चल रहा है, इसको बीटा बीटा और बीटा कर लेना प्लीज, तीनों जगह, वन की जगह कर लिया। अच्छा ये बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, क्लियर है। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास ये बचेगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म में 2 एंड अल्फा आर कांस्टेंट, और क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ वन, ब्रेक कर लिया इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, और कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। ठीक, और यह बीटा कर लेना प्लीज, ये भी बीटा, ये भी बीटा, क्या फर्क पड़ता है? बीटा इज अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो, तो ये टर्म उड़ गए जीरो, और dx by dt क्या होगा? v। ये स्टेप देखो, यहां पर जब डिफरेंशिएट कर रहे थे ये रहा, तो 2 अल्फा कांस्टेंट है, और क्या बचा था? dx by dt। dx by dt क्या होती है? वेलोसिटी v। क्लियर है यहां तक? dx by dt को v लिख सकते हैं। तो आप चेक करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे? v। V, इसको अल्फा कर लेना, बीटा कर लेना प्लीज, और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, इसको बीटा कर लेना प्लीज इस टर्म को। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है। पर ये जब जिन लोगों ने ट्राई किया होगा यहां तक पहुंचे भी होंगे, एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं। वी की वैल्यू को हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये रहा वी ऊपर हमने इस पेज की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये रहा वी, ये बीटा कर लेना। इस v की वैल्यू को ये देखो, यहां पुट कर लिया, बीटा कर लेना यहां पर भी, बीटा एंड बीटा। तो इस v की वैल्यू को यहां पुट कर लें, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये क्या बनेगा? दिस इंटू दिस, इसका क्यूब, इसका क्यूब, यहां बीटा कर लेना। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई, ये ऑप्शन आपको मिला नहीं उसमें ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ ये वेलोसिटी है, चेक करो ये वेलोसिटी है, आप 2 अल्फा को छोड़ दो, 1 अपॉन ये टर्म है क्या? वेलोसिटी का क्यूब, ये जो भी टर्म है 1 बाय इसका क्यूब, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? v क्यूब। तो आंसर आ गया माइनस 2 अल्फा v क्यूब, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कितनों का ठीक था? एक का ठीक था, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, सारे नॉर्मल है। ये मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकता आपसे कि ये होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं हो सकता, बट
आज के बाद एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अब ये हो जाएगा, ठीक, मतलब आपकी नॉलेज में एक और चीज प्लस हो गई, इसको नॉलेज बढ़ना बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ेगा, ये होगा नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन है शीट में जो होते नहीं है, लेकिन आज के बाद ये हो जाएंगे, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था घर जाके, ऑब्जेक्टिव शीट 3 में किया था और हो गया था? अच्छा, एक का ही हुआ था, दो का हुआ था, ठीक। अब सबका हो जाएगा देखना आज के बाद। देखो कैसे, व्हेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है प्लीज, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। व्हेन स्पीड ऑफ कार इज वी, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज एस। कार की स्पीड अगर वी है तो कार ब्रेक अप्लाई करेगी, स्लो डाउन होगी और वो रुक जाएगी। रुकने का मतलब वेलोसिटी जीरो, और कितनी दूरी पे रुकेगी? एस। क्वेश्चन है, अगर कार की स्पीड वी ना होते हुए एन इंटू वी हो और उसको रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी फिर से जीरो, बोलो वो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी? अब स्पीड बढ़ गई ना तो रोकने का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी? एस डैश निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ब्रेकिंग सिस्टम और कार सेम है दोनों केस में, तो रिटार्डेशन दोनों में एग्जैक्टली सेम होगी, ए दोनों में सेम होगा, माइनस है जो भी होगा। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एस पता है, तो क्या मैं फर्स्ट केस में अप्लाई करूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as? तो फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज 2 इनटू रिटार्डेशन है तो माइनस ए इनटू एस। कोई डाउट इसमें? जी नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं है, कार है, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है ये, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। एक बार फिर से लगाएं सेकंड केस में, सेकंड केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल कितनी? एनवी, तो क्या लगेगा? जीरो स्क्वायर माइनस एनवी का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू माइनस ए इनटू एस डैश। कोई डाउट इसमें? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as पहले लगाया, दूसरी बार लगाया, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऐसे मत करने बैठ जाना इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, टेंथ का तरीका, ऑप्शन भी देख लेना क्या है। ऑप्शन होगा एस डैश को निकालो इन टर्म्स ऑफ एस, तो ए मुझे नहीं चाहिए। एक काम करो, ऐसी चीजों में ना इनको डिवाइड ही कर दो, उठा के इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस वी स्क्वायर, और ऐसे ये क्या है? माइनस 2as डैश, और ये क्या है? माइनस 2as। तो माइनस माइनस वी स्क्वायर माइनस 2a कैंसल, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस डैश बाई एस, तो एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस। तो आज के बाद ये स्टॉपिंग, कार जब रोकनी होगी और कार रुक जाएगी, इक्वेशन कौन सी लगेगी? समझ में आ रहा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। पॉइंट समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे करना है? तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आगे से ही अगर आएगा तो, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मुश्किल क्वेश्चन था। कितने लोगों से, कितने लोगों ने ट्राई किया वैसे ही? ओह, कितने लोगों से हुआ? ओके, हो गया, क्या बात है। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्स की वैल्यू हमें पता है, और ए और बी क्या है इसमें? के और बी क्या है? दोनों कॉन्स्टेंट्स। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कितने लोगों को यह देखते हुए समझ में आता है कि एक्स गिवन है, और काश ये ऐसे होता है एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, फिर मैं आंसर क्वेश्चन पूछता फाइंड वी, आप डिफ्रेंशिएट करते, फिर मैं पूछता फाइंड ए, आप डिफ्रेंशिएट करते, और ये क्या कर दिया? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो छोटे बच्चे करते थे जब प्लस वन में नए नए आए थे, अब तो बड़े हो गए, तो उसने फॉर्मूला भी उठा के चेंज कर दिया। पर ये बेसिक तो नहीं चेंज किया, तो डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी, समझ में आता है? हाँ, दो बार करनी पड़ेगी, समझ में आता है? बस अब लगाएं डिफरेंशिएशन। तो एक्स मुझे गिवन है, अब डिफरेंशिएशन में क्या निकलेगी? पहले वेलोसिटी वी, और वी क्या होता है? डीएक्स बाय डीटी। एक्स को पूरे का पूरा एक्स उठा के यहां पुट कर दिया, चेक करो, डी बाय डीटी ऑफ दिस टर्म।
के कांस्टेंट बाहर आ गया, बी स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। ये स्टेप समझ में आ रहा है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है जीरो, स्टेप समझ में आ रहा है। क्या बचा मेरे पास माइनस के बी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू पावर माइनस बी टी बच गया। करें इसकी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स वॉज ई रेस टू पावर एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, ये पावर जो होती है इसको क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएट, ऐसा हमने किया था। सेम है इसकी जो डिफरेंशिएशन है ऊपर, यहां पर थे हम, इसकी जो डिफरेंशिएशन है ये रही e रेस टू पावर माइनस बी टी की डिफरेंशिएशन इटसेल्फ e रेस टू पावर माइनस बी टी, यहां तक क्लियर है, और इनटू d बाय डी टी ऑफ पावर क्या है माइनस बी टी। तो e रेस टू पावर माइनस डी टी की डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर माइनस बी टी इनटू d बाय डी टी ऑफ पावर, पावर क्या चल रही है माइनस बी टी। ये स्टेप क्लियर है। तो इसमें ये टर्म एज इट इज, माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी क्या है वन, राइट। तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, बी से बी कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, चलो वेलोसिटी तो आ गई कम से कम, लेकिन हमने क्या निकालना है ए, तो एक्सेलेरेशन क्या होती है वेलोसिटी आ गई डीवी बाई डी टी। अब वी की जगह पूरी वेलोसिटी को यहां पुट कर दें, के अपॉन बी बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस बी टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी इटसेल्फ ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी टी, डी टी बाई डी टी वन है तो क्या आएगा माइनस बी, तो माइनस बी में बी और बी कैंसिल, ऑप्शन मार्क करना, मुश्किल क्वेश्चन है ये, मुश्किल है, मेडिकल में नहीं आएगा साथ में, प्लीज नॉट फॉर मेडिकल लिख लेना, एक्सपोनेंट के इतनी डिफरेंशिएशन मेडिकल में आती नहीं है, लिख लेना, वैसे मतलब कर भी लोगे तो क्या ही फर्क है, आपका प्रैक्टिस ही हो रही है, अदरवाइज थोड़ा सिंपल कैलकुलस सकते हैं मेडिकल में, नॉन मेडिकल में तो आ जाती है क्योंकि प्लस टू में नॉन मेडिकल में मैथ्स करवाते हैं ना कैलकुलस, तो नॉर्मल है ये लोगों के लिए, बट लॉजिक समझ में आ रहा है, वो डाउट इसमें ठीक, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है बोला था, इसलिए छह लेक्चर जान के लगाए थे तीन की जगह, नहीं तो फिर यहाँ छह और लग जाते थे। अब यही पूछते रहते कैलकुलस हुआ कैसे, पर आप एटलीस्ट ये नहीं पूछ रहे हो, एटलीस्ट थोड़े थोड़े स्टेप्स आपको लिखोगे ना एक बार फिर से घर जाके करोगे तो अपने आप ही चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बट पॉइंट समझ में आया यहां तक ठीक, कोई डाउट इसमें क्लियर है। देखो क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u इज इक्वल टू जीरो, समझ में आता है, एंड moves with a constant acceleration, ratio of distance covered in nth second, nth second का मतलब s nth, to that covered in n seconds, n second का मतलब total distance n second का, s nth का मतलब सिर्फ last second का, तो अगर तो कोई s nth n second बोलेगा, n second का distance क्या होता है s n, एस एनथ क्या होता है एस एनथ, एनथ सेकेंड का डिस्टेंस, तो एन सेकेंड का डिस्टेंस शुरू से कैसे निकलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, एस एनथ का फॉर्मूला हमें आता है यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, लेकिन यू दोनों में एग्जैक्टली जीरो, हमें क्या निकालनी है इनकी रेशियो, एस एनथ और एस एन को डिवाइड कर दो, एस एनथ की ये वैल्यू है एस एन की ये वैल्यू है, ए से ए टू से टू कैंसल, ये आंसर आ गया। एन स्क्वायर 2n by n square क्या होगा, n से n cancel तो 2 by n minus 1 by n square answer। Point समझ में आया कैसे question solve करना है, ठीक है, तो simple formula based question है, ये easy category का question है, ऊपर वाले थोड़े मुश्किल थे, बीच बीच में एक आध आसान था, लेकिन वैसे ये overall sheet मुश्किल है, काफी मुश्किल है beginners के लिए, but ठीक है, मुश्किल है आसान है करनी तो है ही, तभी तो अगली शीट आसान लगेगी, एक बार मुश्किल कर ली तो अगली शीट और कितनी मुश्किल जाएगी, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर एक और ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें, या इसको हम करते हैं एक बार क्वेश्चन प्लीज पढ़ लें एक बार प्लीज, क्या है क्वेश्चन,
पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन है, ये ना क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव में करो ना तो हो सकता है पहले बारी में सॉल्व भी ना हो आपसे। पर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन है वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आर रिलेटेड एज। पहली बात तो हमें डिस्प्लेसमेंट को ना एक्स या एस में देखने की आदत है, उसने पहले तो सिंबल चेंज कर दिया, उसने क्या यूज कर दिया आर। मर्जी है अगले की, वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं लेते, लोगों को रटा होता है एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, आर लेते हैं तो ले ले कोई बात नहीं। पहला पॉइंट समझ में आया, एंड के इज अ कॉन्स्टेंट। कह रहे व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप छोड़ो इसे ऊपर वाली लाइन को। क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन एक कार की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, यू इज इक्वल टू 0, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। मेरा क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन बॉडी की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यू 0 है, टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, क्या अप्लाई करोगे, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है ये, उसने एक्सेलेरेशन नहीं दी, टाइम 1 सेकेंड बोला, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहे, यू 0 दे रहे, ए नहीं दिया, ए की जगह क्या दे दिया, वी दे दिया। वो कहता है लोग अपने आप डिफ्रेंशिएट करें इसे और क्या निकालें, ए निकालें, फिर अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। फर्क पता लग रहा है, अगर वो ए आपको दे ही देता फिर तो आंसर ही था वी इक्वल प्लस 80। उसने ए ना देने की बजाय वी का फॉर्मूला दे दिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है हमें, वी स्क्वायर लिखा मैंने भी, और मुझे पहले समझ में नहीं आया वी का अंडर रूट लूं, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के आर ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं। मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मेरे को याद आया कि क्लास में बताया करते थे सर इक्वेशन गिवन है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, डिफरेंशिएट करने का मन तो कर ही रहे ना, उठा के पूरी की पूरी इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर दो, कुछ अपने आप निकल आएगा जो निकलेगा, इधर भी d बाई डी टी, इधर भी d बाई डी टी, वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, 2v इंटू dv बाई डी टी, k कॉन्स्टेंट है, dr बाई डी टी, लेकिन dr बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा v, ये v हो जाएगा, और dv बाई डी टी क्या होता है a, कुछ निकल रहा है ए चाहिए मुझे, तो 2va एक तरफ, kv एक तरफ, v से v क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया a आ गया, सही। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई k by 2, k इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन इज अ कांस्टेंट, मेरी बात बन गई, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी थी वेलोसिटी, अब मैंने अप्लाई किया v u + at, u को पुट किया 0, a को मैंने यहां पुट किया, टाइम मुझे पता है, आंसर आ गया। पर आपको आपका ऑप्शन है ऐसे गिवन है r रेज टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। मेथड समझ में आया, देखो थोड़ा थोड़ा वो अपने लेवल को चेंज कर रहा है, अब a देना बंद करते हुए उसने v के फॉर्मूले देना शुरू किए, ताकि आप कैलकुलस को यूज करके a निकालें और a की वैल्यू को पुट करें। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, तो जब फर्स्ट डे आए थे तो सिर्फ आपको ये नहीं पता लगा 2-3 लेक्चर में हमने कैलकुलस किया क्यों था, आज 1 महीने के बाद एटलीस्ट ये तो कुछ कुछ पता लग रहा है कैलकुलस करते क्यों है। उस दिन वो मुश्किल लगती थी इंटीग्रेशन, फिर एरर भी मुश्किल लगता था, फिर शुरू में मोशन में कैलकुलस कैसे यूज करना है वो भी मुश्किल लगता था, आज वो भी डेरिवेशन ठीक लग रही है। धीरे धीरे जितना देखते जाओगे इनपुट जाता जाएगा, आउटपुट उतना बेटर होता जाएगा। बट आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, मुश्किल कैटेगरी का क्वेश्चन था, वैसे क्लिक हो भी सकता था बट ज्यादातर केस है कि नहीं क्लिक होता था, स्टेटमेंट मुश्किल है ना फिजिक्स में तो। लेकिन अब आपको ये अगर पूछा जाएगा हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल था, मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे इसे, मुश्किल टफ क्वेश्चन था, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी नहीं आपको, तो इसको करना तो रियली मुश्किल था। देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक ना लैडर है या रॉड है, एक स्टिक है या रॉड है, ये दीवार है और ये फ्लोर है, ये रॉड ऐसे पड़ी हुई है और ये रॉड ना नीचे गिरती जा रही है कुछ इस तरीके से, सच दैट ये वाला एंड नीचे आता जा रहा है और ये वाला एंड राइट जाता है, ऐसी फिसलती है रॉड, फिसलती जा रही है, ठीक है। अब
ये जो रॉड है जैसे जैसे नीचे गिरती जा रही है इसका ये एंगल चेंज होता जा रहा है, पहले 60 होगा, फिर 45 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, 10 हो गया, और जब बिल्कुल गिरी गई तो एंगल 0 हो गया। ये भी क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो इसके अंदर ये रॉड है और आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए की वेलोसिटी अगर किसी भी इंस्टेंट पर 10 है, कब? जब ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, तो बताओ उस इंस्टेंट पर बी की वेलोसिटी क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए सोचना मुश्किल है, आप पहली बात तो ये सोच रहे हो यार वेलोसिटी कैसे दो दो होगी रॉड की, डंडा तो एक है जो गिर रहा है और वेलोसिटी दो दो क्वायर कर रहा है, दो दो है। वैसे क्वेश्चन वेक्टर की कैटेगरी का है, दो वेलोसिटीज और डायरेक्शंस डिफरेंट है ना, एक्स और वाई एक्सिस। बट चलो मैं वेक्टर से समझाऊंगा नहीं, मोशन इन 1D में आते हैं। ये स्टिक है, ये स्टिक का आगे वाला हिस्सा 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड का मतलब ये सॉलिड बॉडी है। तो जब ये मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका हर पार्टिकल मूव कर रहा होगा फिर 10 मीटर पर सेकेंड, सही है? ऐसे ही होता है, ठीक है यहाँ तक? बट द पॉइंट इज कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसने भी एक्स किया, इसने भी एक्स किया, इसने भी एक्स किया, और इसने भी एक्स किया। हर पार्टिकल, अगर ये आगे वाला ढक्कन एक्स से जा रहा है तो पीछे वाली टेल भी एक्स से जा रही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा, वेलोसिटी, तो इसलिए वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें इस बी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वाई, और ए पार्टिकल ने एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक्स। अब ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट अलग कर रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट अलग कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटीज भी डीएक्स बाई डीटी जब की जाएगी तो एक्स के अलोंग अलग आएगी, और डीवाई बाई डीटी की जाएगी तो वाई के अलोंग वेलोसिटी अलग आएगी। समझ में आ रहा है अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, तो एक की वेलोसिटी नीचे जाने की वाई के अलोंग आएगी और एक की वेलोसिटी एक्स के अलोंग आएगी। समझ में आ रहा है डिफरेंट क्यों आएगी, क्योंकि दोनों के डिस्टेंसेस डिफरेंट है, ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल देखो, रॉड जैसे मर्जी गिर जाए उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ये तो बात मानते हो, एल विल रिमेन सेम। तो अगर ये एल है, ये वाई है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस लगा के एल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट तो हमेशा ट्रू रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है इसमें? अब क्योंकि ये रिलेशन एक्स और वाई का आया, पर मेरे को एक्स और वाई का रिलेशन करना क्या है, मेरे को तो डीएक्स बाई डीटी और डीवाई बाई डीटी चाहिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, वेलोसिटी में, राइट? यहां तक क्लियर है? तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताया किसी ने, जब इक्वेशन गिवन हो, और वेलोसिटी चाहिए और मन कर रहा हो डिफरेंशिएट करने का, तो उठा के दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने भी डी बाई डी टी डी बाई डी टी किया, डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। एल किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, रॉड की लेंथ चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, 0, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बोलो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे। अच्छा फिर ये बताओ, 2 और 2 तो 0 से गया, इस पूरी टर्म को उठा के मैं यहां पे ले आया तो नेगेटिव आ गई। अब डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज दी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी के पैर में वाई। अब मैं ये थोड़ा ना कहूंगा ये भी वी, ये भी वी, क्योंकि वाई और एक्स तो डिफरेंट है, तो वेलोसिटीज भी डिफरेंट आएगी, तो ये वेलोसिटी किसके अलोंग आएगी, वाई एक्सिस, और ये वेलोसिटी किसके अलोंग आएगी, एक्स एक्सिस। तो दो वेलोसिटीज आ गई, ये वी एक्स आ गया, ये वी वाई आ गया, इक्वेशन क्लियर है? मेरे को वी वाई निकालना है, बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी जगह वी वाई निकालना है, ये माइनस वाई इधर गया तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू वी एक्स, क्लियर है, ठीक है यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, जब ये सिचुएशन आपको गिवन है, टैन थीटा किसके इक्वल है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और थीटा आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 30 डिग्री, टैन 30 इज वाई बाई एक्स, टैन 30 1/√3, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई, इस एक्स बाई वाई को उठा के यहां पुट कर दें √3, वैल्यू पता लग गई एक्स अपॉन वाई की, और आपको ये पता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या गिवन है इसकी 10, इसकी जगह 10 पुट किया, फाइनल आंसर क्या आया, -10√3। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वाई एक्सिस में
y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो रहा है, y कम हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी का साइन क्या आया, नेगेटिव। और x x एक्सिस में ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या पुट की थी हमने, प्लस 10। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक नए टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कि जब लैडर ऐसे गिरेगी नीचे की तरफ तो क्या करना है, तो पाइथागोरस लगा के इक्वेशन को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। अब ये चीजें कहां से आप अपने सपनों में सोच लोगे, ये बताओ, ये नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूं कि इट विल टेक, हां, लेकिन आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, पाइथागोरस लगाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? कैसे? चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, माइंड में सोचें कि कोई सिचुएशन कैसे है। इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको गिवन नहीं होते कभी, मैं अपने मन से बनाता हूं डायग्राम ताकि मेरे को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर दिखे। तो आप प्लीज इसे देखो एक बार, इस क्वेश्चन को रिलेट करो इस डायग्राम के साथ और सोचो कि
इस साइक्लिस्ट की क्या इक्वेशन बनेगी और बस की क्या इक्वेशन बनेगी, 2 मिनट अपने ब्रेन को अप्लाई करो, फिर देखते हैं क्या लगेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, देखो क्या है क्वेश्चन में कि सपोज आपके पास एक ये एक बस है, बस रेस्ट पे है और एक साइक्लिस्ट है, और क्वेश्चन में वो कह रहा है बस स्टार्ट्स मूविंग का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, रेस्ट से स्टार्ट हुई, साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड था, दोनों इकट्ठे चल पड़े, साइकिल वाले की स्पीड 20 और वो चला भी 20 पे और वो 20 20 20 से ही मूव करेगा, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बस रेस्ट से स्टार्ट हुई जीरो, अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बढ़ाती जा रही है। साइकिल वाला बस को ओवरटेक करेगा, क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, तो ये साइकिल वाला बस को कब ओवरटेक कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, साइकिल वाला सच में कर पाएगा ओवरटेक? क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कब करेगा, मतलब पक्की बात है तो करेगा ही है ना, नहीं तो मन साइकिल वाला बस को कैसे करेगा, बंदा सोचता है नहीं करेगा, क्योंकि वो तभी पूछ रहा है कब करेगा। मान लो चलो वो करेगा और यहां करेगा, तो बस यहां से चली थी यहां पहुंची, साइकिल वाला यहां से चला था और वो यहां पहुंचा, तो देखो ये ओवरटेक कर रहा है इसे। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी आपकी हाथ में घड़ी थी स्टॉपवॉच, आपने कहा स्टार्ट, मतलब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई, स्टार्ट ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग हो गई, आपने कहा टाइम टेकन इज स्मॉल टी, तो मैंने पूछा स्मॉल टी कौन सा टाइम है, तो आपने मुझे समझाया स्मॉल टी टाइम है जब ये बस यहां से यहां आती है, और मैंने पूछा साइकिल कहां से कहां आता है, कहते साइकिल वाला यहां से यहां आता है, तो स्मॉल टी दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। कोई ये ना सोचे कि साइकिल वाले का डिस्टेंस तो बड़ा है उसका टाइम टेकन ज्यादा है, भाई अगर टाइम ही ज्यादा ले लेगा तो फिर ओवरटेकिंग क्या करेगा, ओवरटेकिंग तो गिवन फ्रेम में करनी पड़ेगी टाइम में, तो स्मॉल टी टाइम में दोनों को टाइम इकट्ठा दिया था चलने का यहां से, स्मॉल टी में ये तो यहां से यहां पहुंची सिर्फ और ये यहां से यहां पहुंच गया, तो स्मॉल टी दोनों के लिए सेम है, क्लियर है यहां तक। तो ये बताओ जो बस है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है एक्स, एक्सेलेरेशन कितनी है टू, और टाइम टेकन स्मॉल टी, बस के लिए अप्लाई करो एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स जीरो हाफ टू टी स्क्वायर, एक्स आ गया। अब ये बताओ साइकिल वाले की स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट, साइकिल वाले की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, साइकिल वाले की इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, कोई डाउट इसमें, S is equal to VT में साइकिल वाले ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 96 प्लस x, क्योंकि साइकिल वाला 96 प्लस x, और वेलोसिटी कितनी 20, और कितने टाइम में स्मॉल t। अब इस x की यहां से वैल्यू को t स्क्वायर पुट करो, यहां पे पुट कर दें तो इक्वेशन बन गई 96 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, टाइम आएगा 8 और 12 सेकेंड, साइकिल वाला 8 सेकंड पे ओवरटेक करेगा, साइकिल वाला 12 सेकंड पे ओवरटेक करेगा, आपको है दो बार ओवरटेक करेगा, ये का चक्कर है, साइकिल वाले की स्पीड ना कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे मैं साइकिल वाला हूं और ये बस है,
बस चल पड़ी, मैं साइकिल लेके आया, आप देख रहे थे पूरा सीन, घड़ी आपके हाथ में है, आपने कहा स्टार्ट, मैंने कहा ओवरटेक कर दिया 8 सेकंड पे। अब ये बेचारा दूर चल रहा था, बस अभी स्टार्ट ही हुई थी और मैं आगे निकल गया, 12 सेकंड पे क्या हुआ, ये बस मेरे को अब फिर ओवरटेक करेगी और आगे चली जाएगी। देखो एक बार तो मैंने इसको ओवरटेक कर दिया, ये पीछे रह गई 8 सेकंड पे, फिर अब इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है ना, मैं तो कांस्टेंट से जा रहा हूं, अब ये मेरे को ओवरटेक कर, इसलिए दो टाइम आए हैं, पर आप मिनिमम टाइम पुट करो जो कि कितना है, 8 सेकेंड। आंसर क्या, ये स्टेप समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक? तो लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं इसको मुश्किल कहूंगा फर्स्ट टाइम बिगिनर्स के लिए, चलो कई बार होता है नहीं इतना दिमाग लग पाता। वैसे ये क्वेश्चन आसान नहीं, ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम हमने किया था पिक पॉकेट वाला क्वेश्चन, ये उसी का दूसरा फॉर्म है, वो टफ था, पिक पॉकेट वाला क्वेश्चन टफ था, वो वेरिएबल में चलता है, ये न्यूमेरिकल चल रहा है वैल्यूज में, है वो सेम ही, पिक पॉकेट को पुलिस वाले ने कैच करना था याद करो, सेम डायग्राम बनाया था मैंने, वैसा ही है। कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप देखना आपको नॉर्मल लगेगा सब कुछ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, किसमें क्या इक्वेशन लगेगी? मैं चाहता हूं कि प्लीज ये क्वेश्चन को भी पढ़ा जाए। दो टाइम आए, तो एक बार बस को साइक्लिस्ट ने ओवरटेक किया और फिर साइकिल वाला आगे चला गया, अब बस और साइकिल वाला फिर पास आएंगे कि बस ओवरटेक करेगी, तो एक बार 8 सेकंड पे, एक बार 12 सेकंड पे। टू पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, एंड चलो ये रहा फर्स्ट मेरा सेकेंड, इकट्ठे रेस चलाएंगे, फर्स्ट मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, मैं भागता हूं रेस स्टार्ट विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, मान लो मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मैं स्टार्ट होता हूं, मैं 10 के साथ ही चलता जाता हूं, 10 10 10 एंड 10, मैं अपनी स्पीड को ना कम करूंगा ना ज्यादा, एंड सेकेंड विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नहीं भाग रहा, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वेलोसिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे से भी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा, शुरू में नो डाउट मैं आगे चला जाऊंगा, ये पीछे रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मेरे को पक्का ओवरटेक
कर ही लेगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। ये यहां तक बात समझ में आ रही है। ड्यूरिंग द टाइम दैट इलैप्सेस, कुछ टाइम बीत गया, बिफोर द सेकेंड कैचेस द फर्स्ट, इसने मेरे को कैच कर, ये मेरे को कैच कर ही लेगा, कितने भी टाइम में कैच करेगा। आपको बता रहे कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमारे बीच में क्या होगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी है कि आप घर जाके भी सॉल्व करोगे ना तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है, होता नहीं लोगों से सॉल्व, मुश्किल कैटेगरी का क्वेश्चन है पढ़ने में, करने में नहीं, करने में इजी है। पहले क्वेश्चन की क्लैरिटी लो, ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ। इस अगर ये क्लिक कर गया ना ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना। सपोज करो मैं 10 की वेलोसिटी से भाग रहा हूं, ये जीरो से स्टार्ट होती है रेस, 10 एंड जीरो, नेक्स्ट अगले सेकंड में मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 1, हमारे बीच में दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया। अगले सेकंड में मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 2, अभी भी मैं इसको ओवर, अभी भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे बीच में, क्योंकि जब तक मेरी स्पीड इससे ज्यादा रहेगी हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैं इसको जो है पीछे छोड़ता जाऊंगा और मैं आगे भागता जा रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगले सेकंड में मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 3, दूरी और बढ़ जाएगी। मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 4, अभी भी दूरी और बढ़ जाएगी, मैं गैप लेता जा रहा हूं इसके बीच में। मेरी स्पीड 10, इसकी 5, दूरी और बढ़ेगी। मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 8, दूरी और बढ़ेगी। 10, 9, दूरी बढ़ेगी, जब तक ये स्लो चल रहा है मेरे से, ये पीछे होता जा रहा है, मैं लीड लेता जा रहा हूं। मेरी स्पीड 10, इसकी स्पीड 10, अब क्या होगा, अब मैं इसको पीछे नहीं छोड़ पाऊंगा, अब हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वैसे का वैसे ही रहेगा, अब ना आगे ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन मेरी स्पीड 10, अगली बार इसकी स्पीड 11, अब डिस्टेंस छोटा हो गया, इसने स्पीड 12 की, छोटा हो गया, करते 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 ये मेरे को क्या कर जाएगा, ओवरटेक। तो असली पॉइंट क्या है, असली पॉइंट ये कि जब तक मेरी और इसकी स्पीड सेम नहीं होती, मैं मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कब रुका, जब मेरी और इसकी स्पीड एग्जैक्टली सेम हो गई, और वही डिस्टेंस को क्या माना जाएगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि जब तक मेरी और इसकी स्पीड सेम नहीं होती तब तक डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसी मेरी और इसकी स्पीड सेम हो गई बस वो जो दूरी होगी वो क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम दूरी मानी जाएगी। क्या ये स्टेप समझ में आया यहां तक। तो रूल क्या लगेगा, इसकी स्पीड मेरी स्पीड के इक्वल जब होगा तो वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। एक काम करें, इसे पूछें या तू बता एक मिनट कि तेरी स्पीड मेरी स्पीड के इक्वल कब हुई, मुझे टाइम तो बता। ये सॉल्यूशन गलत सॉल्व शुरू किया था मैंने, बताता हूँ, काटना ना इसे, यहाँ से शुरू करेंगे। मान लो आप पूरी रेस देख रहे थे, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, और मान लो आपने टाइम नोट कर लिया टी डैश। मैंने पूछा टी डैश कौन सा टाइम है, आपने कहा टी डैश वो टाइम है जब इसकी स्पीड मेरी स्पीड के बराबर हो गई। तो मेरी स्पीड अगर वी है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ था, इसकी स्पीड भी थोड़ी देर में वी है, तो टी डैश टाइम हो गया। यहां तक कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर जो फर्स्ट बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी। मैंने पूछा कि इस केस में सपोज करो आपने मेरे से पूछा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो और जब इसकी स्पीड वी हो गई तो उस टाइम टाइम कितना टी डैश है, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, वी इंटू टी डैश। क्योंकि टी डैश से पहले पहले तो हमारे बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, टी डैश वो टाइम है जब इसकी और मेरी स्पीड एकदम सेम हो जाती है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। और जब सेकंड बॉडी है उससे पूछो तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे पूछो टी डैश टाइम में, इसने कहा मैं रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, ये एक्सेलरेशन है। तो क्या अप्लाई करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से उसने मुझे टाइम बताया कि ये वो टाइम है, ये कहते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी ये बोलती है, ये वो टाइम है जब वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, मेरी वेलोसिटी जितनी, और मेरी वेलोसिटी कितनी है v, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई v। मैंने पूछा कितनी देर में हुई, ये बोलता है इतनी देर में हुई। ये टाइम आ गया, कौन सा टाइम आया, जब वेलोसिटी की वैल्यू इसकी किसके इक्वल हो जाती है, मेरे इक्वल हो जाती है, कोई डाउट इसमें। और मेरी वेलोसिटी कितनी है v, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है v, कोई डाउट इसमें। क्लियर यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस केस में
मेरी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी देर में v हो जाती है, इतने टाइम में v हो जाती है। तो इससे पूछो तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या बोलेगा, s is equal to 0 plus half at square t dash square, तो t dash की वैल्यू को इसने यहां से यहां पुट कर दिया, तो इसने बोला मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t dash। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, इसने अपना डिस्टेंस बताया, मेरे से पूछो कितना डिस्टेंस है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस क्या आएगा इसमें, s is equal to vt, मेरा जो डिस्टेंस ऊपर कितना आया था चेक करो, जो मेरा डिस्टेंस था s1 वो क्या था v into t dash, t dash की वैल्यू को v by a पुट करें, टाइम तो सेम है दोनों का, ये वैल्यू आ गई। हमारे बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हमारे बीच में डिस्टेंस होगा s1 minus s2, इसे माइनस करो, दिस इज द डिस्टेंस। तो रूल क्या है, रूल ये है कि t dash वो टाइम है जब इसकी वेलोसिटी मेरे इक्वल हो जाती है। तो आपने इससे पूछा कि तेरी वेलोसिटी मेरे इक्वल कब होती है, इसने बोला इतने टाइम पे होती है। तो ये टाइम की वैल्यू मैं अपने डिस्टेंस में पुट कर रहा हूं s इक्वल टू vt में, ये टाइम की वैल्यू ये अपने डिस्टेंस में पुट कर रहा है, हम दोनों अपना अपना डिस्टेंस निकाल रहे हैं और फिर दोनों डिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं। क्या स्टेप क्लियर है, डाउट है, रिलेट कर पा रहे हो इसे, मतलब कि ये बात समझ में आती है कि मेरी वेलोसिटी तो v है, इसकी वेलोसिटी जब तक v नहीं होगी तब तक ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तभी आएगा जब दोनों की वेलोसिटी v है। तो इससे पूछ लो ना कि तेरी वेलोसिटी v कब होगी, इसने बता दिया। अब इससे ये पूछ लो कि इस टाइम पे जो ये टाइम आया ये वो टाइम है जब वेलोसिटी v हो गई, इससे पूछो तूने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इतने टाइम में, ये डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। अब मेरे से पूछो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बॉडी से कि मैंने कितना टाइम ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s is equal to vt, टाइम को यहां भी पुट किया यहां भी पुट किया, दो डिस्टेंसेस आ गए, पहली बॉडी का भी और दूसरी बॉडी का भी, और हमें गैप निकालना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस निकालना है, दोनों को क्या कर दिया माइनस। क्लियर है यहां तक? और मैंने जब ये क्वेश्चन शुरू किया था ना, मैंने भी सही नहीं किया, मैंने क्या किया, मेरे को लगा वो शायद पूछेगा कि ओवरटेकिंग कितने टाइम में हुई, ओवरटेकिंग तो पूछी नहीं, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने काटा मारा नहीं इसे, क्रॉस नहीं किया, मुझे पता लग गया था कि ये सही नहीं किया मैंने। तो एक नया क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ सेकेंड बॉडी फर्स्ट को ओवरटेक कब करेगी, टाइम बताओ, ओवरटेकिंग कब होगी जब दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, इसका डिस्टेंस मेरा डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस कितना है s is equal to vt, इसका कितना है 0 plus half at square, इक्वेट करके जो टाइम आएगा इस टाइम पे क्या होगी ओवरटेकिंग, जो क्वेश्चन में पूछी नहीं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, पर मैंने काटा इसको, कट नहीं किया, कल को अगर आ जाता है एटलीस्ट आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, नो नीड इसको लिख लेना, नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि कल को 6 महीने बाद रिवाइज करोगे, सबसे पहले यही पढ़ना शुरू कर दोगे और मेरे पास लेके आओगे सर ये पोर्शन किया क्यों आपने, तो लिख लेना कि देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज एक बार,
को मिलते हैं। कंपनी के प्रमुख फू चोंगशेन ने कहा कि ऑर्डर उत्पादन टेस्ट और डिलीवरी सब इंटेलिजेंट तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा
कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हमने करना है, अब ऑब्जेक्टिव शीट 3 निकालो, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 ओपन करो। कितने लोगों नहीं मिली ऑब्जेक्टिव शीट 3? एक दो तीन, और अब 3 कॉपियां लेके आई हो ऑब्जेक्टिव शीट 3 की। ओके, ऑब्जेक्टिव शीट 3 ओपन कर, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अगर आपको नहीं मिली तो प्लीज रिसेप्शन से इसका प्रिंट आउट लो पहले, ऑब्जेक्टिव शीट 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछो डाउट है तो, किसने ट्राई किया हो, ना हुआ हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन कर लिया था, ओके ओके, फिफ्थ, ओके फिफ्थ भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, पैराशूट वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, 8th हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट हो गया, कोई डाउट है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। ये प्रॉब्लम वैसी ही है पिछली शीट वाली, कि v is u plus at, v is u plus at से u और v सॉल्व करेंगे, फिर डिस्टेंस इन 12th सेकंड निकालना है, s 12th, डाउट है तो प्लीज पूछो। कितने लोगों ने ट्राई किया था और हो गया, हो गया, कोई डाउट है किसी को? ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 क्लियर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, इधर इधर, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट बोलो, ओके 11th में डाउट है, राइट, ये मैं सॉल्व करता हूँ। कितने लोगों से हो गया वैसे 11th? ओके, कमाल है, ठीक है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो u इज इक्वल टू कितना, 0, कोई डाउट इसमें? एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसमें, 4, कोई डाउट इसमें? रेस्ट से स्टार्ट हुई बॉडी और एक्सेलरेशन कितनी है, 4, कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, मान लेते हैं कि टोटल पाथ कितना है, s, हाफ ऑफ द टोटल पाथ क्या होगा, s by 2, हाफ ऑफ द टोटल पाथ इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट सेकेंड को क्या बोलते हैं, s nth, तो मतलब अगर ये टोटल टाइम टेकन यहां से यहां तक n सेकेंड्स है, ये वाली जर्नी जो देख रहे हो ये लास्ट 1 सेकेंड में कवर हुई, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होने वाला है, s nth, s nth का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड लास्ट सेकेंड, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर s nth एंड s by 2 इज 1 एंड द सेम थिंग, कोई डाउट इसमें? उसने बोला लास्ट जो हाफ डिस्टेंस है s by 2 वो लास्ट सेकेंड में कवर हुआ, लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, s nth, तो s nth का फॉर्मूला बोलो, u plus a by 2 into 2n minus 1 half into, s का मतलब क्या है, s का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूरी जर्नी का, पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग व्हाट, s की जगह क्या पुट कर सकते हैं, un प्लस हाफ इंटू ए एन का स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एन सेकंड में कवर हो रहा है, तो टोटल जर्नी के लिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एस एन एथ के लिए यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, फॉर्मूला समझ में आ रहा है दोनों में क्या लगेगा, कोई डाउट इसमें? यू ऑब्वियसली क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 0, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 4 हो जाएगा, एक्सेलेशन 4 है एन का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, 4n माइनस 2 इज एन का स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन जाएगी,
क्वाड्रेटिक के रूट निकलेंगे, क्वाड्रेटिक का रूट सॉल्व करके आ रहा है 3.4 सेकेंड, यानी कि आपको पहले क्या पता लगेगा टाइम कितने सेकेंड में जर्नी कंप्लीट हुई। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? लेकिन आपको तो टोटल एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या होता है? यू एन प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन क्वेश्चन में कितने गिवन है? 4, एंड एन का मतलब 3.4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना आंसर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा ट्रिकी था फर्स्ट टाइम बिगिनर्स के लिए, बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 12th में चाहता हूं प्लीज आप खुद इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करें। मैं 2 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12th को प्लीज एक बार देखें कैसे करना है। मिटा दूं ऐसे? देखो, पर्सन इज रनिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इस पर्सन की, बोलो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और एक ट्रेन को कैच करना चाहता है, इस ट्रेन को, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन की एक्सेलेरेशन क्वेश्चन में गिवन है 1, और ये मैन अभी 2.5 मीटर दूर है इस ट्रेन से। क्वेश्चन है आपको बताना है कितने टाइम में इसे कैच करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आज हम वो बस और साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, सेम टू सेम, कि जब ये स्टार्ट हुए तो मान लो ट्रेन को इसने यहां पर क्या किया, कैच किया, तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट अस सपोज x, तो मैन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया शुरू से, 2.5 प्लस, और टाइम टेकन पूरे के लिए क्या, बिल्कुल सेम है, सेम चीज है। तो मैन के लिए इक्वेशन क्या लगेगी, बोलो? वेलोसिटी मैन की कांस्टेंट है, इक्वेशन बोलो s इज इक्वल टू vt, तो मैन का डिस्टेंस बोलो 2.5 प्लस x, वेलोसिटी कितनी है 3 into t। ये फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है यहां तक? और ऐसी ट्रेन किससे स्टार्ट हुई, रेस्ट से, एक्सेलेरेशन कितनी है 1, तो ट्रेन के लिए अप्लाई करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस किया x, हाफ
वन इंटू टी स्क्वायर, एक्स कितना आ गया टी स्क्वायर। इस एक्स को इक्वेशन नंबर वन में अगर पुट करते हैं तो 2.5 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2.5 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, क्वाड्रेटिक बन गई। टाइम के लिए सॉल्व करो, टाइम के दो रूट्स आ रहे हैं 1 और 5 सेकेंड, आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही रूट गिवन है, 1 सेकेंड आंसर मार्क कर देना। किसमें आ रहा है आएगा, यहां पे चेंज होएगी, क्वाड्रेटिक चेंज कर लेना, यहां पर टी स्क्वायर बाय 2 आएगा ना, तो 5 प्लस टी स्क्वायर इज 60 बनेगी। अब टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, 1 सेकेंड आ जाएगा। जो भी है मेथड समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे आज हमने क्वेश्चन किया। तो क्या आपको लगता है कि अगर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा? अब तो दो कर लिए ना, अब इसका टेस्ट भी होगा तो 3 बार हो जाएगा ना, ऐसे परफेक्शन आएगी। ये पहली बार नहीं होगी शीट, टाइम के साथ होगी, ठीक है? कोई डाउट इसमें? जैसे DDLJ बोल तो रहा है, DDLJ वाली प्रॉब्लम है, ये शाहरुख खान खड़ा है, एक काजोल खड़ी है, अब क्या है उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो पीछे रह गई, ट्रेन भाग रही है और चलो पकड़ लेती है, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो तेज भाग रही है। अब सोचो ये शाहरुख खान खड़ा है और सोचो उसने हाथ नहीं पकड़ा और आगे चली गई, तो 1 सेकेंड में उसको चांस था हाथ पकड़ने का, अब वो तेज चली गई, अब शाहरुख पीछे रह गया, अब ट्रेन उसको एक्सलरेट करेगी, अब 5 सेकंड पे दूसरा चांस है, वो फिर उस पर चढ़ सकती है। 2 बार हो गया ना, तेज भाग गई थोड़ा सा, मतलब प्रैक्टिकली क्लियर है, तो 2 बार पकड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन एक बार पढ़ो प्लीज, 13th क्वेश्चन। देखो, डिस्प्लेसमेंट और एक्स की वैल्यू, टी और एक्स की वैल्यू आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से रिलेटेड है। तो टाइम और एक्स की वैल्यू आ गई, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। वेलोसिटी की वैल्यू जब 0 है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी की को मेंशन कर रहा है पर वेलोसिटी मेरे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सही तरीके से लिखते हैं, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो वेलोसिटी होती है निकाल के देखें क्या आएगी, वेलोसिटी dx बाई dt, dy dt ऑफ x, x की जगह t माइनस 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 2t माइनस 3 इंटू dy dt ऑफ t माइनस 3, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके क्या आ रही है, इसकी डिफरेंशिएशन 1, इसकी 0, तो ये वेलोसिटी आ गई। डाउट इसने बोला वेलोसिटी जब 0 है तब मुझे x निकालना है, एक काम करें वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं, वेलोसिटी 0 है तो टाइम क्या आएगा बोलो, 3, 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है मानते हो, तो जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम टी कितना है, 3 सेकेंड है, तो एक काम करें हमने तो एक्स निकालना है और एक्स की वैल्यू है कितनी, टी माइनस 3 का स्क्वायर, तो जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम 3 है, काम करते हैं हम टाइम को पुट कर देते हैं, तो मेरे पास एक्स क्या जाएगा, 0, आंसर इज 0। मतलब हमें, हमने वो टाइम निकाल लिया बेसिकली जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 पे टाइम आ गया, उस टाइम पे हमने क्या निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो वेलोसिटी 0 कब है, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 3, आंसर।
कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक क्रांति? तो क्योंकि हमने एक्स निकालने तो हमें टाइम चाहिए, और हमने वो टाइम निकाला जब वेलोसिटी नहीं, टू नीचे पावर एक कम हाथ रखा तो डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस थ्री नहीं आएगा। एक्सलेशन जीरो है, कॉन्स्टेंट है, सोचने दे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। देयर आर टू ट्रेन्स, ये ट्रेन नंबर वन है मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आर, ये ट्रेन नंबर टू है 30 किलोमीटर पर आर, ठीक। एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर की सेपरेशन है। जैसी इन ट्रेन में सेपरेशन 60 किलोमीटर होती है, एक बर्ड यहां से उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन से, पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन से, पहली ट्रेन बस टकराता ही जाता है शीशे के ऊपर, मतलब टू एंड फ्रो मूव करना शुरू करता है। कब तक? जब तक इनकी टक्कर नहीं हो जाती, बर्ड उड़ता जाता है। बर्ड का डिस्टेंस बोलो कितना है टोटल? तो बर्ड जो उड़ रहा है उसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 60 किलोमीटर पर आर से। तो मुझे एक चीज बताओ, जो बर्ड है, बर्ड की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या आएगा? एस इज इक्वल टू वी टी आएगा। बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आर। बस मुझे यह कैलकुलेट करना है बर्ड कितनी देर के लिए उड़ा, कितनी देर के लिए उड़ा, जब तक ट्रेन्स कोलाइड नहीं कर जाती। ट्रेन्स कोलाइड कब करेंगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दोनों ने मिलके कितना कवर किया? 60 किलोमीटर। और स्पीड कितनी दोनों ने मिलके कवर की? और दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑपोजिट के लिए साइन क्या लगता है? माइनस। वो ट्रेन और साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन था, जब ट्रेन और साइक्लिस्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी माइनस करते हैं, और अगर ऑपोजिट में जा रहे होते हैं तो प्लस करते हैं। लास्ट टाइम भी सेम सिचुएशन की थी। तो जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वी माइनस माइनस भी प्लस कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 आर। ये ट्रेन्स एक घंटे में टक्कर, इनकी टक्कर हो जाएगी, तो बर्ड भी कितनी देर के लिए उड़ेगा? 1 आर के लिए। तो आंसर आ गया 60 किलोमीटर। तो बर्ड 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। मेथड समझ में आ रहा है? देखो बर्ड कब तक उड़ेगा? जब ट्रेन की टक्कर होगी, तो बर्ड का टाइम निकालना है। ट्रेन की टक्कर कितनी देर में होगी? ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? दोनों ने 60, एक ने नहीं किया, दोनों ने किया, जल्दी करेंगी तो डबल स्पीड हो जाएगी ना, ऐड हो जाए, कर दो इनकी स्पीड 60, 30 लेना, क्योंकि दो ट्रेन जब ऑपोजिट जा रही हैं तो एक ड्राइवर और दूसरे ड्राइवर को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डायरेक्शन के लिए साइन लगता है, तो 30 माइनस माइनस 30, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो दोनों को सिंपली माइनस कर देना है। सेम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और लास्ट 16th क्वेश्चन पर क्लोज करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये गिवन है कि देयर इज अ रिवर या वाटर है, एक बोट गिवन है। आप ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन किया करते थे 10th में, सेम है। तो एक बोट है, एक
केस नंबर वन क्वाइट डे है. क्वाइट डे का मतलब ना पानी बिल्कुल नहीं चल रहा था, स्टिल स्टिल वाटर है. तो बोट एक्स डिस्टेंस कवर करती है, जाती है, वापस आती है, टाइम टेकन लेती है टी वन. बोट की स्पीड मान लो कितनी है, वी वी. एक बार देख लो पहले, लिख बाद में लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं उसे. राघव क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं. बोट जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी. क्वेश्चन में गिवन है क्वाइट डे है, पानी नहीं चल रहा, बोट जाती है और वापस आती है, टाइम टेकन टी वन है. तो टी वन की वैल्यू बोलो, जाने का टाइम क्या होगा ये होगा, आने का टाइम क्या होगा ये होगा, टोटल टाइम क्या होगा टू एक्स वाई वी होगा. ठीक हो गया. फिर वो कह रहे हैं कि इसमें एक रफ डे है. केस नंबर, रफ डे में क्या होगा, पानी चल रहा है, पानी की स्पीड वाटर की स्पीड डब्ल्यू है, बोट की स्पीड वी है, बोट जाती है वापस आती है, टोटल टी टू है. जाते हुए बोट को फायदा हो जाता है, पानी के साथ चल रही है और वापस आते हुए लेट हो जाती है. लेकिन टोटल टाइम कितना गिवन है, टी टू. तो जाने का टाइम कितना है, वी प्लस डब्ल्यू. जाते हुए डिस्टेंस कितना है, एक्स. और स्पीड कितनी होगी, वी प्लस डब्ल्यू. पानी साथ चल रहा है डाउन स्ट्रीम. और वापस आते हुए क्या हो जाता है, वी माइनस डब्ल्यू. टोटल टाइम आ गया जाने और आने का. और क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना गिवन है, टी टू. तो यहां से एलसीएम लो, वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर. तो एक्स इंटू वी माइनस डब्ल्यू, एक्स इंटू वी प्लस डब्ल्यू. तो यहां से एक्स इंटू वी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर. ये वाली टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल. तो टोटल टाइम टी टू सॉल्व करने पे आ गया टू एक्स वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर वन. टाइम आ गया. अगर हम इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड करें, टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, तो मेरे पास आएगा टू एक्स वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स डिवाइडेड बाई वी. टू एक्स से टू एक्स कैंसल. टी टू बाई टी वन सॉल्व करके बोलो क्या आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू. बस ये बताओ, न्यूमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है. न्यूमिनेटर क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट की तो छोटा हो गया. तो ये फ्रैक्शन क्या आएगी, ग्रेटर देन वन. ग्रेटर देन वन इसका मतलब टी टू की वैल्यू ग्रेटर देन टी वन. यही ऑप्शन है आपका. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, आपको यही बताना है कि टी वन बड़ा होगा या टी टू बड़ा होगा. मुश्किल कैटेगरी का क्वेश्चन है फिर से, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. राघव क्लियर है? तो पहली बार में क्वाइट डे, कोई स्पीड में फर्क नहीं. दूसरी बारे में एक में फायदा एक में नुकसान, प्लस और माइनस सॉल्व करके ये डिवाइड करो आंसर. अब लिख सकते हो, लिखना है तो.